सरपंच पर घोटाले का आरोप, पता चलने पर भड़के ग्रामीण। पुन्हाना उपमंडल के गांव गंगवानी के सरपंच पर ग्रामीणों ने करोड़ों रुपए के गबन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने लगभग 500 लोगों के नाम से फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनवाकर डाकघर में उनके नाम पर फर्जी खाता खुलवाकर करोड़ों की राशि निकाली है। उन्हें जब इस बात का पता चला तो सारे लोग शुक्रवार को सरपंच के खिलाफ एकजुट हो गए और दोषी सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। जुनेद, रमजान, फरीद, आमीन, अयूब, दाऊद, साकिर, मोहब्बत, आस मोहम्मद, मांगे राम, पूरा, इलियास, मुस्तकीम, समीम, हसन, मोहम्मद, सबीला, अफसरी, संजय, सदबीर, दो दर्जन से अधिक लोगों ने बताया कि गंगवानी में पापड़ी दो गांव की एक पंचायत है जिसकी मौजूदा सरपंच हसन मोहम्मद की पुत्रवधु नजमा है, जबकि सरपंची का कार्य उसका ससुर हसन मोहम्मद संभालते हैं जिन्होंने लोगों के नाम से करोड़ों रुपये निकाल कर बड़ा घोटाला किया है। वहीं जब इस बारे में सरपंच से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पार्टीबाजी के चलते उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि वह सब लोगों के मनरेगा के पैसे दिलवा चुके हैं। एटीवी हरियाणा के लिए मेवात से मुस्तफ़ा खान की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या नाम है जी? अयूब जी। अयूब गांव कौन सा है? गंगवाणी। गंगवाणी, तो आप बता रहे हैं कि जॉब कार्ड से सरपंच ने इतना गबन किया है और फर्जी तरीके से लोगों के पैसे निकाले हैं, आपका कितने पैसे निकाले गए हैं? ये जी 26,976 रुपए निकाले हैं जी। 26,976। तो आपको कब पता चला कि मेरे नाम से इतने पैसे निकाले हैं? ये जी कल निकाला पता लगा हमने तो जी, मतलब मशीन चलाई जब, मतलब जब पता लगा हमें जब। गांव में कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये गबन हुआ है? कम से कम जी कोई 500, पूरा गांव सही है, मतलब 500 से 600। अच्छा, 500 से ज़्यादा ही। तो सरपंच को जिस तरह से आप आज विरोध कर रहे हैं यहाँ सरपंच के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ भी, तो उसको पता चला है कि इस तरीके से तेरे उसका विरोध हो रहा है गांव में? पता चल गया उसको, कल ही पता चल गया जी, रात को बेटा। अच्छा, के पास जेल रुका नहीं देखा। अच्छा, आज तो सुबह गाली की तारीफ हुई है, एक लड़का सा मतलब उसने तुमने इसको क्यों कहा है इससे, मतलब अच्छा ये पता क्यों करा तुमने? तो अब क्या मांग करना चाहेंगे? ये हमारा पैसा मिल जाना चाहिए, जब हमारी सरकार ने दिया तो हमने कोई काई किसी का पैसा थोड़ा ले चाहिए हमें। अच्छा, हमने तो अपना चाहिए। कानून कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। बिल्कुल। क्या नाम है भाई? मोहम्मद इरफान। आपके नाम से कितनी राशि निकाली गई है? सर मेरे नाम से राशि, मेरे नाम से हमारा सर एड्रेस ही बदल रखा, पापड़ी का फोटो, गांव के पांच पांच जॉब कार्ड, हमारा घर के संबंध में एड्रेस गलत चेंज कर रखा हूँ। कितने रुपए का गबन हुआ आपके साथ? तकरीबन हमारा हुआ 6-7 लाख रुपए सर, 5-6 जॉब कार्ड। 6-7 लाख रुपए का? 9 साल से निकाल रहा है। कितने दिन से ये मामला चल रहा है? ये तकरीबन 8-9 साल से चल रहा है। तो आपको अब पता चला इसका? कल नहीं पता चला। तो अब क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? हमें तो अपना पैसा चाहिए, वो आप हक चाहिए, अपना चाहिए। क्या नाम है जी? जुनैद। गांव कौन सा है? गंगवाणी। गंगवाणी, तो आज आप यहां जो विरोध कर रहे हैं और जो जॉब कार्ड के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये घोटाला किसने किया है और कितने पैसे का घोटाला किया है? कम से कम 5 करोड़ का घोटाला किया इसने। किसने किया है घोटाला? सरपंच। क्या नाम है सरपंच का? हसन मोहम्मद। हसन मोहम्मद, तो ये कितने लोगों के साथ में हुआ है घोटाला? 500। आपको कब पता चला कि आपके नाम से फर्जी तरीके से रकम निकाली जा रही है? कल पता चला। तो आपने कहीं पे कोई शिकायत दी है इसकी? तेरी शिकायत है, कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई? नहीं दी अभी कोई कार्रवाई। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना चाहेंगे? गांव वालों ने आरोप लगाया कि जॉब कार्ड के नाम पर आप लोगों ने काफ़ी घपला किया है, क्या ये आरोप सही है आपके ऊपर? ये सरासर झूठ है। जो हमारे मुखालिफ पार्टी है, जो हमारे सामने इलेक्षन लड़ता है, उसका ये सारा षड्यंत्र है। ये जॉब कार्डधारी सारे काम करते हैं हमारे पास, मजदूरी करते हैं लेबर में, मनरेगा में, इनको सबको इनके खाते में पैसा जाता है, अपने अकाउंट से पैसे निकाल चुके हैं, खुद अपना साइन अंगूठा लगा के सीधा खाते में पैसा जाता है, हमारे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत से लोग वहाँ थे जिनके पास जॉब कार्ड था और उन्होंने यही आरोप लगाया था, भाई हमारे पास पेंशन नहीं आए। वो दूसरी तरह से सामने वालों ने, एंटी पार्टी वालों ने गलत तरह से गाइड करे हैं, वो साजिशन गाइड करें, गलत गाइड कर रखे हैं। वो अपना पैसा ले चुके हैं, अपना साइन करके पैसा लिया है, बैंक से पैसा ऐसा नहीं निकाला जाता, कोई दूसरा निकाल देता है, खुद पैसे निकाल के लाए, मजदूरी करते हैं, बराबर मजदूरी जा रही है उनकी।
गांव वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जी फोटो किसका जॉब कार्ड पे, नाम गांव वालों का है और इस तरीके से इतने पैसे जो निकाले हैं, खाता कहीं है, हमें आज तक कहीं ना खाता खुलवाने के लिए जाया गया ना पैसे निकलवाने के लिए जाया गया, तो क्या कहें? सभी ने खुद ने खाते खुलवाए हैं और आज से नहीं है, कई सालों से चला आ रहा है। हमारे ग्राम पंचायत में काफ़ी काम हुआ है, विकास कार्य हुए हैं मनरेगा स्कीम के अंतर्गत, काफ़ी सालों से चला आ रहा है, सब कुछ पता है उनको। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं उनमें से, और कुछ नहीं है, 1% भी सच्चाई नहीं है।